राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर खतरा बरकरार। बागी नेता सचिन पायलट और उनके समर्थकों को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता। गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की आपात बैठक। भाजपा ने राज्य सरकार से की तत्काल बहुमत साबित करने की मांग। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के विधायक देवेंद्रनाथ रे की मौत के मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात। विधायक की मौत को दिया संदिग्ध करार। कहा मामले में हो सीबीआई की जांच। भारत और चीन के बीच चौथे दौर की सैन्य वार्ता समाप्त। बातचीत का मुख्य फोकस पेंगोंग सो झील के फिंगर फोर और देवसांग इलाके में सेनाओं के पीछे हटने पर रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत के बाद से ही सीमा पर तनाव में आ रही है कमी। केरल में सोना तस्करी के मामले में एनआईए ने मांगी इंटरपोल की मदद। फैसल फरीद के प्रत्यर्पण के करे मदद। वहीं कस्टम ने मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को मामले में किया तलब। देशभर में कोरोना का रिकवरी रेट सक्रिय मामलों की तुलना में 1.8 गुना ज्यादा। कोविड 19 की वैक्सीन विकसित होने की प्रक्रिया में भारत की होगी अहम भूमिका। राज्यों को टेस्ट बढ़ाने की दी गई सलाह। बिहार में बढ़ते कोविड 19 के मामलों के बीच 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में भी सप्ताह के अंत में 55 घंटों का रहेगा लॉकडाउन। बेंगलुरु में भी आज रात 8 बजे से 22 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। चीन के लिए अमेरिका व ब्रिटेन से एक बड़ा झटका। ब्रिटेन ने चीन की टेलीकॉम से कंपनी हुवेई पर लगाया प्रतिबंध। वहीं अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के दावे को किया खारिज। कहा चीन का दावा असंवैधानिक। तो आप देख रहे थे आज की इस वक्त की बड़ी सुर्खी।